हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो गूगल शीट की है और गूगल शीट में क्या सीखेंगे, देखिए यहाँ पे ऑरेंजेस लिखा हुआ है। अब ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, यहाँ पर भी है और ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये आपका बंगाली में लिखा हुआ है, ये उर्दू में लिखा हुआ है। तो अभी हमको क्या करना है, हमको ये पता करना है कि ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला गूगल शीट में बना बनाया है डिटेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप डिटेक्ट टाइप करेंगे तो डिटेक्ट लैंग्वेज अपने आप आ जाएगा और यहाँ पर डिटेक्ट लैंग्वेज पे जाइए और इसको पता करना है ना, तो D4 को सेलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस करेंगे जैसे ही, तो ये बताएगा यू आर, देखिए ये उर्दू लैंग्वेज बता रहा है, क्योंकि ये उर्दू है तो उर्दू बता रहा है। और फिर इज इक्वल टू डिटेक्ट लगाते हैं यहाँ पे डिटेक्ट, या फिर आप नीचे ड्रैग भी कर सकते हैं। चलिए मैं लगा लेता हूँ डिटेक्ट लैंग्वेज, तो ये डिटेक्ट लैंग्वेज आ गया। अब मान लीजिए इसको पता करना है, ठीक है हिंदी है दिख रहा है, एंटर प्रेस करता हूं। यहां पर जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे HI यानी कि कोड आ जाता है, समझ रहे हैं, कोड आ जाएगा आपके लैंग्वेज का। तो यहां पर फिर आता हूं तो यहां पे देखिए बंगाली है, बंगाली लैंग्वेज है। तो यहां पे डिटेक्ट लैंग्वेज में डालता हूं फिर से, तो यहां पे DE डिटेक्ट TE, तो डिटेक्ट लैंग्वेज ये देखिए डिटेक्ट लैंग्वेज आ गया। और फिर यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बंगाली लैंग्वेज का कोड आ गया है। तो आपको कोड पता करना है तो डिटेक्ट लैंग्वेज फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, ये बहुत आसान है और आई होप कि आपके बात समझ में आ गई होगी।